दोस्तों इंटरनेट के नाम से हमें सबसे पहले क्या चीज़ याद आती है? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। पर क्या हो अगर आप एक ऐसे देश में रहते हो जहाँ पर ये सभी चीज़ें बैन हो? जी हाँ, इस वीडियो में हम चाइना के बारे में बात करने वाले हैं। और चाइना में ये सभी चीज़ें बैन क्यों है, जानेंगे इस वीडियो में हम। देखते रहे इस वीडियो को मेरे साथ। मैं हूँ मनोज और आप देख रहे हैं चेकी टीवी। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे कहना चाहूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आप वीआईपी बन सके और सबसे पहले पा सके हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस। दोस्तों हम ये तो जानते हैं चाइना में गूगल और फेसबुक जैसी वेबसाइट बैन है, पर इसके पीछे का रीजन क्या आखिरकार? वेल, यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट एक अलग ही तरीके से देखती है गूगल और फेसबुक जैसी वेबसाइट को। यहाँ पे वो एक सर्च इंजन ना समझ के गूगल को सोचती है कि वो एक स्पाईवेयर है और वहाँ पे सभी चीज रिकॉर्ड कर रहा है उनके देश में क्या हो रहा है। वेल, यहाँ पे ये चीजें कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि साल के आखिर में गूगल हमें एक रिपोर्ट देता है कि उस देश में रह रहे लोगों ने उस साल में आखिरकार क्या क्या सर्च करा सबसे ज़्यादा। वेल, यहाँ पे ये चीज़ें तो क्लियर हो जाती है कि गूगल सबको रिकॉर्ड करता है और देखता है कि क्या क्या चीज़ें सर्च करी जा रही है। वेल, यहाँ पे गूगल रिकॉर्ड करता है कि उस देश में रह रहे लोगों ने क्या क्या सर्च करा है उस साल में। वेल, यहाँ पे वो सभी की आइडेंटिटी नहीं बताता कि किसने क्या सर्च करा है, ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं बताता। बस ये बताता कि जनरली की एक रिपोर्ट आ जाती है कि उस देश में रह रहे लोगों ने सबसे ज़्यादा बार ये चीज़ के बारे में सर्च करा है, और टॉप 10 लिस्ट दे देगा या ऐसी लिस्ट दे देता है। पर यहाँ पे जो चाइना है वो इस पूरी चीज़ को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखता है। वो एक गूगल पे एक स्पायवेयर के तौर पे देखता है और वो सोचता है कि गवर्नमेंट कम जानती है अगर आप कंपेयर करें एक सर्च इंजन से। और यहाँ पे चाइना एक अलग आरोप भी लगाता है गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज पे कि वो डाटा लीक करती है और यूएस गवर्नमेंट को देती है कि उस देश में रह रहे लोगों ने क्या क्या सर्च करा है। तो यहाँ पे चाइना इसलिए डरता है फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज को। अगर आप एग्जाम्पल गूगल का, और अगर आप चाइना में और कुछ सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अगर पुराने नोट को नए नोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं, तो आपका डाटा रिकॉर्ड कर लेगा और गूगल जैसी कंपनी को पता रहेगा कि उस देश में रह रहे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। पर वहाँ पे प्रेजेंट, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो नहीं जान पाएगी कि वहाँ पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल को है वहाँ अगर कंपेयर करें उस देश में गवर्नमेंट पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के तौर पे वहाँ पे चाइना इसलिए थोड़ा डरता है कि यहाँ पे उस देश में लोग रह रहे, गवर्नमेंट नहीं जानती कि उस देश में लोग क्या कर रहे हैं। तो इस खतरे को अच्छी तरह हटाने के लिए वहाँ पे इस चीज़ को बैन ही कर देते हैं और वो एक अपना सर्च इंजन यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई भी लोग सर्च कर रहे हैं तो उस चीज़ का डाटा वही रहे और वहाँ की गवर्नमेंट जान पाए कि क्या लोग वहाँ सर्च कर रहे हैं, और वहाँ पे कोई चीज़ लीक ना हो। अगर गूगल का कंपेयर करें तो वो सोचते हैं कि गूगल कोई भी चीज़ इकट्ठा करता है उस देश में रह रहे लोगों को और लीक कर देता है यूएस गवर्नमेंट को, और यूएस गवर्नमेंट सब कुछ जान पाती है कि उस देश में रह रहे लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। पर यहाँ पे निकल के आते हैं वो एंड्रॉयड फोन जो गूगल ऑन एंड्रॉयड पर रन होते हैं। पर यहाँ पे शाओमी जैसी कंपनी जो कस्टम स्किन के साथ एक एंड्रॉयड फोन को लॉन्च करती है, मतलब कि आपको सभी चाइनीज वो फीचर मिलेंगे, चाइनीज सर्च इंजन उसमें इनबिल्ट होता है, चाइनीज लैंग्वेज होती है, साथ ही साथ उन एंड्रॉयड फोन में जो चाइना में प्रेजेंट है जो गूगल ऑन एंड्रॉयड पर रन होते हैं वहाँ पे सभी चीज़ बदल दी जाती है। जैसे कि शाओमी वहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट घेर के बैठा है और वहाँ पे वो पूरी कस्टमाइज कर चुका है, एंड्रॉयड जो मेन स्क्रीन है वो सब कुछ कस्टमाइज हो चुकी है। वहाँ पे आपको तरह तरह के नए फीचर देखने को मिलते हैं उन फोन्स में, आपको सर्च इंजन में बदल दिया जाता है, आपकी वहाँ पे लैंग्वेज भी बदल दी जाती है, वहाँ पे आपका जो गूगल ड्राइव होती है जहाँ पे आप बैकअप बना सकते हैं अपने डाटा को वो भी नहीं दिया जाता, उनके मैन्युफैक्चरर खुद की एक ड्राइव है वहाँ पे आप अपनी सभी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। ये कुछ इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज़ लीक ना हो सके, उनका डाटा कहीं भी लीक ना हो सके। तो यहाँ पे इसलिए गूगल की सभी सर्विसेज वहाँ पे बैन कर दी जाती है। और यहाँ पे आप फेसबुक जैसी वेबसाइट को भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरेक्शन लोग आपस में करेंगे, आपस में बात करेंगे और वो डाटा अगर लीक होकर जा रहा है यूएस गवर्नमेंट के पास, तो यहाँ पे चाइना जैसे देश के लिए काफी खतरा निकल के आता है। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों का शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी जान पाए आखिर चाइना में YouTube और Google की सभी सर्विसेज और Facebook बैन आखिरकार क्यों है। और यहाँ पे हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हैं, फिर जाके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही होती इस वीडियो की एंडिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में।